हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। स्वागत है हील्स ऑन व्हील्स में। और आ गए एक और बढ़िया सी जगह लेके। तो ये तो आपको बिल्कुल खाली खाली से लग रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इधर दिखाओ, ये देखो। तो हम आए हैं यहाँ नीति वैली। ये है नीति वैली और देखो कितना सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल शांत है। ये गाँव है, गाँव पूरा खाली है। अभी आज 9 मई है, तो अभी यहाँ लोग नीचे से आना शुरू हो गए। सर्दियों में नीचे चले जाते हैं और गर्मियों में ऊपर आते हैं, तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बर्फ़ पिघल गई है यहाँ की। यहाँ भी पूरा स्नोफॉल हो जाता है। उसके बाद अब आएंगे ये लोग बर्फ़ पिघलने के बाद, और फिर नवंबर दिसंबर में वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ हर साल होता है, और होम स्टे वगैरह है, यहाँ रुकने के लिए सब कुछ है। सो गाइस, थोड़ा गांव एक्सप्लोर करके आते हैं। वैसे तो एक दो लोग हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं है। और ये रोड जा रही है, देखो ऊपर ITBP की रोड है, ये इंडियन तिब्बत बॉर्डर प्रोजेक्ट। और ये रोड जा रही है ऊपर, बट यहाँ परमिशन हमारी नहीं है, लोकल की है या फिर आर्मी की परमिशन है। तो थोड़ा चलते हैं यहाँ पर, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। और ये कुछ कंपार्टमेंट्स और पार्किंग का एरिया बना हुआ है इधर की साइड, स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे सारे घर अभी बंद पड़े हुए हैं। चाय बना रहे हो? हाँ, ब्लैक टी पिलाओ। तो भैया हमें ब्लैक टी पिलाने वाले हैं, क्या का घर है। तो गांव में सिर्फ अभी यही आए हैं और कोई नहीं है गांव में। तो भैया हमें चाय पिला रहे हैं, ब्लैक टी। बैठते हैं, भैया से बात करते हैं। माचिस है, रखी थी माचिस, हम सिगरेट वगैरह पीते नहीं है ना। तो भैया ने हमें चाय बना के पिलाई है। आ जाओ आ जाओ। गांव में सिर्फ 3 लोग हैं, अभी 2 लोग और हैं, वो खेत में गए हैं सेब के पेड़ लगाने। सेब की खेती अभी शुरू हो जाती है यहाँ पे लगाने के लिए। अच्छा, और कब तक होते हैं फिर सेब? सेब हो जाता है नवंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर सीजन में होते हैं। और फिर नीचे कब जाते हैं? भाई सेब काट वाट के जो भी करके निपटा के निकल जाते होंगे फिर। देसी आड़ू, देसी आड़ू होते हैं, राजमा होती है, चुलाई होती है, चीरी। अच्छा, तो भैया यहाँ पे लाइट वाइट का सिस्टम क्या रहता है? लाइट है, ये बर्फ से टूट गए ना, ये ठीक करेंगे। अच्छा, ये है, ये सौर ऊर्जा है हमारे पास, सौर ऊर्जा वगैरह से करके बाकी लाइट आ जाती है जब सीजन शुरू होता है। सीजन शुरू होता आता है। और पानी वगैरह कैसे आता है? निकासी से, जल विद्युत से। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा पानी जैसे आ रहा है ग्लेशियर का, वो भी जमा होता रहता है? वो भी जमा होता रहता है। तो ये वाले जो पहाड़ है, ये इधर टमर सैंड दिखाई देता है। अच्छा, तो ये मतलब पिघल जाते हैं गर्मियों में या ऐसे रहता है? गर्मियों में पिघल जाता है पूरा, जून बीतने के बाद पिघल जाता है। तो ये मई जून 2 महीने दिखेगा, 2 महीने दिखेगा, उसके बाद फिर ये पिघल जाएगा पूरा, फिर अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। और ग्रीन ग्रीन, जैसे अभी थोड़ी ग्रीनरी कम है, जैसे पेड़ अभी हरे कम है, तो ज्यादा ग्रीन फिर वह बरसातों में हो जाता है, ज्यादा ग्रीन ये बरसातों में होता है, अगस्त सितंबर हो जाता है। और पेड़ों में फल फूल लगने भी शुरू हो जाते हैं, सब्जियां भी उग जाती है, गोभी वगैरह, मटर हो जाती है, राजमा, मतलब इतना हो जाता है सारा सब्जी वगैरह है। बढ़िया है फिर तो, बहुत बढ़िया है। तो आप बता रहे थे ये एरिया पहले चाइना में आता था, तो उसका कुछ बताइए दोबारा, कहानी क्या बता रहे थे? रहने में आता था एरिया जो है कि भारत देश ने जो है कि खींचा है, मतलब अच्छा इतना आगे अपने जनता को बढ़ाने के लिए। अच्छा, और अपना जो है कि अपनाने के लिए इसमें जो है कि अटैक किया था चाइना। अच्छा, तो जो मतलब कुछ एरिया इंडिया का चाइना में चला गया, कुछ चाइना का इंडिया में आ गया, तो ये चाइना का एरिया था, ये चाइना का एरिया था। अच्छा, तो यहाँ के जो लोग रहेगा यहाँ पे वो तिब्बती है, वो तिब्बत के। अच्छा, क्योंकि पहले तो पूरा तिब्बत था ये। बढ़िया, देखो मौसम कैसे बदल रहा है, एकदम छाया आ गई है, एकदम बादल आ गए हैं, और बरसात भी ऐसे ही कभी कभी भी बादल आके बरसात हो जाती है, स्नोफॉल भी हो जाती है जी। तो अब तो स्नोफॉल के चांस नहीं है? अब नहीं है स्नोफॉल के चांस, तो लास्ट अप्रैल तक स्नोफॉल पड़ती है। भैया हमें गांव दिखाने वाले हैं, मनोज कुमार भैया का नाम है। तो भैया आपको जब भी आओगे यहीं मिलेंगे, ये जैसे गाँव शुरू है तो ये वाला इनका घर है। और बहुत बढ़िया ब्लैक टी बनाई थी भैया आपने। अच्छा, बच्चों के पढ़ने की स्कूल है, राष्ट्रीय राजकीय प्राथमिक विद्यालय नीति। ये देखो नीति का गांव का स्कूल है ये। तो बच्चे बच्चे पढ़ते थे पहले यहाँ पे? अभी बच्चे पढ़ते थे। अच्छा, अब नहीं है कोई है? अच्छा, फिर आ जाते हैं बरसातों में। तो बरसातों में आके पढ़ते हैं फिर? ये गांव का रास्ता है।
पंचायत भवन हो गया। हाँ जी, तो पूरा पंचायत वगैरह सब कुछ लगती है यहाँ पे। तो जब गांव में लोग आते हैं, कितने लोग आ जाते हैं? दो ढाई सौ परिवार है जी। कितने घर हैं टोटल? ये तो मकान अलग अलग है ना, किसी मकान में दो चार परिवार रहते हैं, किसी में एक ही रहते हैं। टोटल 100 घर तो होंगे? 100 घर होंगे। तो लगभग 250 परिवार मतलब 500 लोग तो आ जाते होंगे? आ जाते जी, 500 लोग आ जाते हैं यहाँ पे। पूरा ट्रेल बनी हुई है, अच्छी पक्की ट्रेल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ पुराने घर हैं इधर, ये तो बहुत पुराना घर है। बहुत पुराना घर है। ये नक्काशी देखो गाइस, कितनी सुंदर है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये पेड़ किसके? एप्पल के? एप्पल है और अखरोट है। अखरोट और एप्पल का पेड़ है ये। और देखो ये यहाँ पर पीछे तक घर है, 100 घर हैं टोटल। सामने ग्लेशियर दिखाई देता है इनको और नदी बहती हुई, कितना सुंदर जगह है। मतलब आप तो जन्नत में रह रहे हो। वैसे सुविधाएं भी अब लगभग सारी हो गई हैं। सुविधाएं तो पूरी है, बहुत बढ़िया। गाइस ये देखो लास्ट में आर्मी की पोस्ट बनी है, बिल्कुल ऊपर। इससे ऊपर जाना अलाउड नहीं है और वो रोड जा रही है वहां तक, लेकिन वहां पे चेकिंग होगी तो आपको नीचे भेज दिया जाएगा अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो। और ग्लेशियर देखो कुछ इस तरीके से दिखते हैं यहाँ, बहुत ही सुंदर। तो गाइस अब ये गांव घूम लिया है हमने, बहुत मजा आ रहा है। अब निकलते हैं यहाँ से जो छोटे अमरनाथ है और आपको दिखाते हैं फिर। एक बार आके जरूर देखिए और चलते हैं हम मंदिर।